गाइस, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके ऑप्शंस पढ़ोगे, और जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। सो क्वेश्चन इज द रिएक्शन दैट रिजल्ट्स इन कंजम्पशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज ऑप्शन ए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन बी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड, ऑप्शन सी पीईपी या फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट टू पाइरुवेट, ऑप्शन डी ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लास, अब आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए और इस क्वेश्चन और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। गाइस, हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्जन में एक फॉस्फेट ग्लूकोज पे ऐड होता है और वो फॉस्फेट आता है एटीपी से, यानी कि यहाँ पे एटीपी का यूज हो रहा है। इस स्टेप को कैटालाइज करने वाला एंजाइम है हेक्सोकाइनेस और ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है।